तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये लेक्चर के हम लोग पहले लेक्चर के, और इसमें हमने जनरल जनरल पढ़नी है और जनरलाइजर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल जनरल और स्पेशल डे बुक। अच्छा, तो ये नाम से ही क्लियर है स्पेशल, इसका मतलब ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाए। तो पहले इनका पर्पस लिख लेते हैं, डे बुक का क्या पर्पस होता है, किस डे बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो पहले इनके पर्पस लिख लेते हैं। तो कैश बुक का पर्पस, कैश बुक में हम यहाँ रिकॉर्ड क्या करेंगे, फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ चेक्स एंड कैश। कैश बुक में सिर्फ रिसिप्ट पेमेंट्स रिकॉर्ड, स्पेशल डे बुक जैसे आप हैं स्पेशल, ये स्पेशल डे बुक दूर से बताना चाहते हैं, बहुत दूर से बताना। सेल्स डे बुक, ये इसका पर्पस है फॉर क्रेडिट सेल्स। सेल्स डे बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होंगी। सेल्स रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे। परचेज डे बुक, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होंगी। परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे। पेटी कैश बुक, आपके स्मॉल कैश पेमेंट्स, कैश एक्सपेंस रिकॉर्ड, स्मॉल कैश पेमेंट्स कह रहे हैं या स्मॉल कैश एक्सपेंसेस। लेकिन डेली के हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, चाय पानी के, स्टेशनरी के, ट्रैवलिंग वगैरह के, एक्स्ट्रा टैक्सी फेयर, वो हम रिकॉर्ड करते हैं पेटी कैश बुक। और जो मेजर पेमेंट्स होंगी वो कैश बुक पर रिकॉर्ड होंगी, रेंट, सैलरी वगैरह। सब ये बताएं, जनरल जनरल और स्पेशल डे बुक्स, ये दोनों प्राइमरी बुक्स हैं। जनरल जनरल और स्पेशल जनरल दोनों क्या हैं, प्राइमरी। इनको प्राइमरी बुक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन की इनिशियल रिकॉर्डिंग यहीं पे होती है। इनिशियल रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगी जनरल जनरल में, या फिर स्पेशल जर्नल में, और फिर फर्दर हम पोस्टिंग करते हैं जर्नल लेजर में, और इसके बाद कहीं और पोस्टिंग नहीं होती तो ये फाइनल। इनिशियल रिकॉर्डिंग हो रही है, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग, तो ये प्राइम एंट्री। अच्छा, अब जर्नल जर्नल और स्पेशल जर्नल दोनों क्या है, प्राइम एंट्री बुक्स। बताएं हमारी डे बुक्स है ना, पहले तो ये बताएं कि ये पर्पस इनके लिखे हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन तो हम जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे ना, ये अलग अलग डे बुक बनाने का क्या फायदा, जरूरत है बनाने की, इससे क्या फायदा होगा आपको, क्या हाँ बोले, एक साथ आ जाएगा, ठीक है, हाँ हाँ बोले, डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी,
अलग से आ जाएगी, यानी कि हर चीज का एक सेपरेट रिकॉर्ड आ जाएगा ना, ये मिक्स नहीं होंगे। जनरल जनरल में क्या था, सब मिक्स हो रहा था, इसमें क्या हर चीज का एक सेपरेट रिकॉर्ड होगा, जिससे आपको रिकॉर्ड करने में भी आसानी रहेगी, चेक करने में भी आसानी होगी, टोटल करना भी इजी हो जाएगा। ये अकाउंट की तरह क्या, ठीक है, हर चीज का एक सेपरेट रिकॉर्ड आ जाएगा। अच्छा तब ये बताएं कि अब हम एक बिजनेस है जो अगर ये डे बुक्स मेंटेन कर रहा है, तो फिर जनरल जनरल में क्या रिकॉर्ड करेंगे, या सब कुछ रिकॉर्ड होगा? अब तो आप एक बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आप ये तमाम डे बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, हर डे बुक बन रही है, अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, फिर जनरल जनरल में क्या रिकॉर्ड करेंगे आप, या दोनों जगह रिकॉर्डिंग होगी, वहां भी रिकॉर्ड करेंगे? जैसे क्रेडिट सेल्स है ना, क्रेडिट सेल्स कहाँ रिकॉर्ड हो रही है, सेल्स डे बुक में, क्या जनरल जनरल में भी उसके एंट्री बनाएंगे फिर, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट? नहीं, एक ही जगह बनेगी, एक ही जगह बनेंगे या दोनों जगह? दो जगह नहीं, एक जगह रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अच्छा देखिए आप बताता हूँ, हाँ रिकॉर्डिंग जो होती है ना, देखिए दोनों क्या है, प्राइम एंट्री बुक्स है ना, वहां रिकॉर्ड करें या यहाँ रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग होगी एक जगह, दोनों जगह पर रिकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। अच्छा तो अब जो अगर अब फर्ट ये पता, तो देखो जो मैं जनरल जनरल बनाया था ना पहले, वो थी हमारी प्रैक्टिस, कि जनरल जनरल में डबल एंट्रीज किस तरह बनाई जाती है, किस तरह रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकली क्या होता है। प्रैक्टिकली होता है कि जब एक बिजनेस ये तमाम डे बुक्स मेंटेन करता है, तो फिर जनरल जनरल में ये सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते, जैसे कि कैश सेल्स, क्रेडिट परचेज, रेंट एक्सपेंसेस की पेमेंट, छोटे मोटे खर्चे, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन डे बुक में रिकॉर्ड होंगी वो फिर जनरल जनरल में रिकॉर्ड नहीं होती, रिकॉर्डिंग एक जगह पर। डबल डबल रिकॉर्ड करने का क्या फायदा, कि आप जनरल जनरल में एंट्री बनाए, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, उसको सेल्स डे बुक में भी रिकॉर्ड करें, कोई फायदा नहीं। एक तरफ उसको आप मिक्स करते जा रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं, और फिर अलग अलग रिकॉर्ड कर, ठीक है। रिकॉर्डिंग होगी कहीं एक जगह पे, ठीक। अब उसको आप भूल जाएं, वो जो हमने पढ़ा था पहले जनरल जनरल, वो थी हमारी प्रैक्टिस के ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री किस तरह बनती है, ठीक। अब आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है, जब हाँ ये डे बुक्स बनेंगी तो फिर जनरल जनरल ये सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, इनके अलावा जो ट्रांजेक्शन बचती हैं सिर्फ वो रिकॉर्ड होंगी जनरल जनरल। अब इनके अलावा कौन सी बचेंगी, ड्रॉइंग तो कैश बुक में आ जाएगी ना, कैश ड्रॉ किया आपने, लोन भी कैश बुक में आ जाएगा, लोन ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, चलिए। और यहाँ नहीं होता, हाँ नहीं ठीक है, वो लेवल्स होता है, ठीक है, वहाँ पढ़ा होगा आपने। एक्सपेंस तो कैश बुक में आएंगे ना, रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, कैश बुक में आ गया। इसके अलावा बचता क्या है, सिर्फ एक चीज बचती है जो आपने अब तक पढ़ी है उसमें से एक चीज बचती है। अच्छा आपने फर्नीचर बाय किया क्रेडिट पर, कहाँ रिकॉर्ड होगा, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट परचेज बुक में आएगा, नहीं आएगा। परचेज देखिए, सेल्स सेल्स रिटर्न, परचेज परचेज रिटर्न, ये तो गुड्स के लिए यूज होते हैं ना, अगर बॉट गुड्स है तो आप लिखते हैं परचेज, सोल्ड गुड्स है तो सेल्स, रिटर्न हम कर रहे हैं तो ये तो गुड्स के लिए है। सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, ये चार डे बुक सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। गुड्स के अलावा कोई भी आइटम बाय या सेल करेंगे वो इन चारों डे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं। अब जैसे फर्नीचर बाय किया आपने कैश पे, अच्छा कैश पे फर्नीचर बाय किया तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, कैश पे फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो कैश बुक में आएगा। अच्छा अगर क्रेडिट पे बाय कर रहे हैं तो क्रेडिट पर, फर्नीचर बाय किया क्रेडिट पे, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, वो परचेज है बुक में नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, जनरल जनरल, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, क्रेडिट सेल परचेज ऑफ नॉन करेंट, ठीक है, इनकी जो एंट्रीज होंगी वो बनेंगी जनरल जनरल। सर ये जो आएगा कि ये कैश पे आएगा कि बैंक में आएगा, क्रेडिट है ना, क्रेडिट है, पेबल आएगा,
क्रेडिट में तो आएगा लेकिन कैश में भी आ सकता है और फिर बैंक में भी आ सकता है। क्रेडिट का मतलब वो नहीं है, डेबिट क्रेडिट नहीं, ये क्रेडिट का मतलब उधार, ये उधार वाला है। क्या आपने फर्नीचर उधार पे बाय किया, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, मतलब वो बैंक में भी हो कैश में भी हो, तो मतलब बैंक कैश क्या मतलब बैंक से जैसे हो गई कैश मतलब कैश पे चीज खरीदना लेकिन हाँ कैश पे खरीदना तो क्रेडिट कैश होगा। कैश का मतलब तो कैश पे क्या चीज खरीद के लिया है, ये तो कैश हो गया ना। ये बैंक के साथ क्रेडिट मतलब होता है उधार पे चीज खरीद के लिया है, पेमेंट नहीं पे कहीं भी नहीं होगा ना, फिर वो ना वो कैश में आएगा ना बैंक में आएगा, फिर वो उधार अकाउंट्स पेबल में जाते हैं ना जी। उसके लिए हम क्या बनाते थे, फर्नीचर डेबिट अकाउंट्स पेबल वो वाला क्रेडिट। अच्छा, अब तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड तो ये एक ही ट्रांजेक्शन है जो जनरल जनरल में रिकॉर्ड हो, इसके अलावा और क्या रिकॉर्ड होता है वो मैं लिखवा देता हूँ, वो आगे हम पढ़ेंगे सब डिटेल में, ठीक है। इसके अलावा क्या बचता है, अलावा बचता है करेक्शन ऑफ एरर। अगर रिकॉर्डिंग में आपने कोई एरर किया, कोई मिस्टेक की, कोई गलत एंट्री रिकॉर्ड की, अब उसकी जब करेक्शन करेंगे तो करेक्शन की जो डबल एंट्री होगी वो बनेगी जर्नल जर्नल। ये टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे आपके कोर्स में, करेक्शन ऑफ एरर। अच्छा, इसके अलावा क्या बचता है, एक होती है एडजस्टमेंट्स और एडजस्टिंग एंट्रीज। ये एडजस्टिंग एंट्रीज होती है कुछ जो हम बनाते हैं ईयर एंड, ईयर एंड ये हम पढ़ेंगे FA 2 में जाकर। अच्छा, एडजस्टिंग एंट्रीज होती है किसकी की है, बैड डेट्स की होती है, डेप्रिसिएशन की होती है, एक्रूवल्स और प्रीपेमेंट, ठीक है। इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनती है और ये एंट्रीज बनती है ईयर एंड पर, और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे FA 2 में। अभी सब आपको याद रखना है, अभी होते क्या है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, ये सब पढ़ेंगे FA 2। फर्नीचर की बात, नॉन करंट एसेट का, करंट एसेट का। अच्छा जी, सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और नोट कर लें, उसके बाद हम डे बुक्स बनाएंगे। अच्छा, यादव का हमने जर्नल लेजर बनाया था ना, जर्नल लेजर में क्या अकाउंट बना रहे थे, ये जो लेजर्स होते हैं ना, लेजर्स, लेजर की भी तीन टाइप्स होती है। लेजर की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, कलेक्शन ऑफ ऑल रेलेवेंट अकाउंट्स। लेजर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रेलेवेंट अकाउंट्स। उसमें से हमने पढ़ा था जर्नल लेजर, उसकी एक टाइप थी। तो लेजर होते हैं थ्री टाइप्स के, ये टाइप्स लिखते हैं। इसके बाद सेल्स लेजर या रिसीवेबल लेजर, सेकेंड परचेज और पेबल लेजर, और थर्ड है फिर जर्नल नॉमिनल लेजर। टाइप्स के लेजर बनते हैं। अच्छा, अब हमने जो जर्नल लेजर बनाया था उसमें हम हर अकाउंट बना रहे थे, ठीक है, रिसीवेबल, पेबल, सेल, परचेस। अच्छा, वो थी हमारी प्रैक्टिस कि टी अकाउंट्स किस तरह बनते हैं, पोस्टिंग, क्लोजिंग, बैलेंसिंग किस तरह होती है। अब प्रैक्टिकली ये होता है तीन लेजर बनते हैं। उसमें हमने याद होगा अकाउंट रिसीवेबल बनाए थे बाय नेम और अकाउंट्स पेबल बनाए थे बाय नेम ना। अकाउंट रिसीवेबल और पेबल जो बाय नेम हम बना रहे थे वो एक्सेल में कहाँ बनते हैं, रिसीवेबल लेजर में और पेबल। वो रिसीवेबल लेजर में हर कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा बाय नेम, और पेबल लेजर में हर सप्लायर का इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा बाय नेम। अच्छा, इनके अलावा कस्टमर और सप्लायर्स के अलावा बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब बनते हैं जर्नल लेजर। इसके बाद अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ मेमोरेंडम अकाउंट्स, ये क्या होते हैं ये भी लिख लेते हैं पहले, मेमोरेंडम अकाउंट्स कॉपी करें फिर समझाता हूँ। अब हम बनाते हैं सेल्स डे बुक। अभी क्वेश्चन नंबर 14.1
पहले बनाएंगे सेल्स बुक, अच्छा पहले इसका फॉर्मेट सेल्स डे बुक का फॉर्मेट है, सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है। पहला कॉलम क्या है, डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। इनवॉइस क्या होती है, इनवॉइस बिल कह लें, इनवॉइस डॉक, ठीक है। अच्छा कौन इशू करता है, कब करता है, कौन बनाते हैं, तो सप्लायर इशू करेगा कस्टमर को। अच्छा काम कीजिएगा, अभी आगे बाकी जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें यूज भी होंगे। इसमें सेल्स है बुक, अब इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट सेल्स। ये पहले ट्रांजेक्शन है मार्च 1, क्रेडिट सेल्स वी होप 310। तो लिखते हैं कुछ इस तरह से, डेट के कॉलम में डेट आ जाएगी, इनवॉइस नंबर गिवन नहीं है, कस्टमर नेम आ गया और पोस्ट रेफरेंस फिलहाल यूज नहीं होगा और अमाउंट आ गया, ये सेल्स रिकॉर्ड। 3rd मार्च क्रेडिट सेल्स 385 रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स टू एल्मोर कॉपी पेस्ट करना होगा। तो बस क्रेडिट सेल्स टू बी होप 74, नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स टू जे या एच स्टोर और क्रेडिट सेल्स टू जे यंग 92 और उसके बाद क्रेडिट सेल्स टू बी मोस्ट क्रेडिट सेल्स टू आर बेस्ट। हमारी सेल्स डे बुक स्टार्ट होते ही अब क्या करेंगे, मंथ एंड पर हम इसका टोटल कर लेंगे, अमाउंट्स का टोटल करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएंगी 1489 और ये हमारी सेल्स डे बुक स्टार्ट होते ही खत्म। अच्छा ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट सेल्स डे बुक, के बाद पता बनाएंगे सेल्स लेजर, सेल्स लेजर या रिसीवेबल लेजर बनेंगे और सेल्स लेजर में हम बनाएंगे हर कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट, बनाएंगे सेल्स लेजर। पहला कस्टमर कौन है, बी ओ। तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट सेल्स की एंट्री अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब ये बीओ कौन है, कस्टमर, अकाउंट रिसीवेबल, तो ये डेबिट हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर ही पोस्टिंग कर लेते हैं, हम डेबो को देख के पोस्टिंग करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। बीओ को क्रेडिट सेल्स की हमने 310 की और 10th मार्च को दोबारा सेल कर रहे हैं 74 की ना, तो ये बीओ हो जाएगा डेबिट 310 से और फिर डेबिट होगा 70। इसकी एंट्री हो जाएगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 310, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 74। अच्छा नेक्स्ट कस्टमर फाइन, फाइन का अकाउंट बनेगा और ये भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हाँ ये अकाउंट ही है, ये अकाउंट ही है, नहीं है तो बल्कि ये अकाउंट ही है। बाद है एलमोर, ये आपका डी अकाउंट बनेगा एलमोर का और ये डेबिट हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम सिर्फ एक साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं डेबिट डेबिट डेबिट, इसका क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं होगा, ये हम क्या बना रहे हैं सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री बनेगी यहाँ पे, इसलिए वहां लिखा था ना शुरू में ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं होगा, इसमें सिर्फ सिंगल एंट्री होगी डेबिट या क्रेडिट। नेक्स्ट है ड्यू या एस्टॉक,
डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट ये यंग 92 डेबिट, बाद टी मोस्ट 44 डेबिट हो जाएगा। लास्ट है क्या कस्टमर कौन है, आर बेस्ट, आर बेस्ट का अकाउंट बनेगा और ये अकाउंट रिसीवेबल आर बेस्ट डेबिट हो जाएगा। ये सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई हमारी, सेल्स लेजर बना दी हमने। और उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट इसकी है जर्नल लेजर बनेगा। जर्नल लेजर में इससे रिलेटेड दो टी अकाउंट बनते हैं। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब जर्नल लेजर में दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा अकाउंट रिसीवेबल, पूरा नाम है इसका अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। ये हो जाएगा डेबिट टोटल से 1489 और सेल्स अकाउंट बनेगा ये होगा क्रेडिट 1489। हाँ, इसमें क्या होता है, जो हमने सेल्स ए बुक बनाई थी ना, यहाँ पर हमने सेल्स ए बुक में ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पर, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है ठीक है, और यहाँ से फिर हम ये सेल्स लेजर में पोस्टिंग करेंगे डेली बेसिस पर। डेली बेसिस से पोस्टिंग होती है, डेली बेसिस पे डेट वाइज पोस्टिंग होती है। इसके बाद क्या होता है, मंथ एंड जब होता है तो मंथ एंड पर हम डे बुक को क्लोज कर टोटल कर लेंगे। इसका टोटल सेल्स आ गई 1489 और जो टोटल सेल्स है ये हम पोस्ट करेंगे जर्नल लेजर। तो जर्नल लेजर में जो पोस्टिंग होगी वो मंथली बेसिस पर होगी, मंथ एंड पर होगी टोटल। तो टोटल अमाउंट से जर्नल लेजर में मंथ एंड पर पोस्टिंग हो जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट टोटल अमाउंट, इसके कंप्लीट प्रोसीजर। बैलेंस ये होगा ईयर एंड पे, इसके पर वो जो क्लोजिंग बैलेंसिंग होती है वो हम करते हैं ईयर एंड। अब याद रखें सेल्स ए बुक में रिकॉर्डिंग होगी डेली बेसिस पर, सेल्स लेजर में पोस्टिंग होगी डेली बेसिस पे, जर्नल लेजर में पोस्टिंग होगी मंथली बेसिस पर, मंथ एंड पे टोटल अकाउंट। इससे देखें फायदा क्या होगा, अब हमें ये जो इंडिविजुअल अकाउंट हमने बनाए यहाँ से हमें इंडिविजुअल का बैलेंस पता चलेगा, इस कस्टमर से कितना अमाउंट रिसीव करना है। और ये जो हमने जनरल लेजर में अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनाया इससे हमें टोटल रिसीवेबल पता चल जाएंगे कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव, इंडिविजुअल का रिकॉर्ड भी आ गया और टोटल का रिकॉर्ड भी, टोटल रिसीवेबल यहां से मिल गए और इंडिविजुअल से हमें इंडिविजुअल रिसीवेबल मिल गए और यहां से सेल्स अकाउंट से हमें टोटल सेल्स मिल गए। जी कोई क्वेश्चन?